सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। समय कठिन परिश्रम करने वालों का मित्र होता है। यदि हम ध्यान को व्यय करते हैं तो केवल धन ही व्यर्थ होता है, लेकिन यदि हम समय को व्यर्थ करते हैं तो हमारे जीवन का बहुमूल्य भाग व्यय हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि समय के महत्व को पहचाना जाए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में समय कभी अच्छा तो कभी बुरा आता है। वास्तविकता यह है कि समय कभी एक सा नहीं रहता, समय परिवर्तनशील है। इसलिए आवश्यक है कि समय का ज्ञान रखकर, उसकी पहचान रखकर उसका सदुपयोग किया जाए। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, शुक्रवार, कृतिका नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। हमारा जो सफलता होती है, जो लक्ष्य होता है, उस तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि कठिन परिश्रम किया जाए, क्योंकि सफलता पहियों पर चलती है हमारी मेहनत के। यदि व्यक्ति मेहनत नहीं करता और अपने भाग्य के सहारे बैठा रहता है तो उसे वही प्राप्त होता है जो उसके भाग्य में लिखा है। लेकिन कठिन परिश्रम से, मेहनत से व्यक्ति वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वो प्राप्त करना चाहता है। इसलिए मेहनत के साथ अपनी सकारात्मकता बनाए रखना आवश्यक है और इसमें उपयोगी है सकारात्मक विचार। वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी, एतानि मान्यस्थानानि, गरीयो यद्यदुत्तरम्। धन, स्वजन, आयु, सत्कर्म और विद्या, ये पांच साधन मनुष्य को प्रतिष्ठा एवं सम्मान दिलाने के साधन हैं। ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं, अर्थात धन से स्वजन, स्वजन से आयु और आयु से सत्कर्म एवं अंततः विद्वता ही सर्वश्रेष्ठ है। मनी, नियर एंड डियर वंस, लॉन्जेविटी, noble deeds and education are the five instruments for human being to get name and fame. They are in the chronological order to follow. परिश्रम वो मंत्र है जिससे व्यक्ति असंभव लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। कठिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत, परिश्रम के साथ आवश्यकता होती है नई ऊर्जा की, बल की, जो हमें देता है हमारा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में मंत्रों की विशेष मान्यता है। जिस तरह से हम आस्था रखते हैं उससे हमें बल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में कुंभ स्नान का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका अच्छा फल व्यक्ति को मिलता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। आइए देखते हैं आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में कुंभ की मान्यता और सांस्कृतिक विशेषताओं को बताती हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। पूर्णता, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है कुंभ। एक पर्व ही नहीं, अनंत काल से चला आ रहा संस्कृति समागम है कुंभ। आस्था, विश्वास, सौहार्द और मिलनसारिता का पर्व है कुंभ। परंपरागत तौर पर नदियों का मिलन बेहद पवित्र माना जाता है।
लेकिन संगम का मिलन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ लेकर जा रहे थे कि असुरों से छीना झपटी में अमृत की चार बूंदें गिर गईं। ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन रूपी तीर्थ स्थानों में गिरी। जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां तीन तीन साल के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। इन तीर्थों में भी संगम को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। कुंभ विश्व में एक ऐसा पर्व है जहां कोई आमंत्रण अपेक्षित नहीं होता, तथापि करोड़ों तीर्थयात्री इस पवित्र पर्व को मनाने के लिए एकत्र होते हैं। प्राथमिक स्नान कर्म के अतिरिक्त पर्व का सामाजिक पक्ष देखें तो यहां यज्ञों, वेद मंत्रों का उच्चारण, प्रवचन, नृत्य, भक्तिभाव के गीतों, आध्यात्मिक कथानकों पर आधारित कार्यक्रम, प्रार्थनाएं, धार्मिक सभाएं और अनेक वेदांत सिद्धांतों पर वाद विवाद एवं विमर्श प्रसिद्ध संत साधुओं के द्वारा किया जाता है। मानव मात्र का कल्याण, संपूर्ण विश्व में सभी मानव प्रजाति के मध्य वसुधैव कुटुंबकम के रूप में अच्छा संबंध बनाए रखने के साथ आदर्श विचारों एवं गूढ़ ज्ञान का आदान प्रदान कुंभ का मूल तत्व और संदेश है। संगम वह स्थान है जहां गंगा का मटमैला पानी यमुना के हरे पानी में मिलता है। यही मिलती है अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती नदी। वैसे तो यह अदृश्य नदी है, पर माना जाता है कि यह भूगर्भ में बहती है। प्रयागराज में कुंभ शब्द कानों में पड़ते ही गंगा, यमुना एवं सरस्वती का पावन सुरम्य त्रिवेणी संगम मानसिक पटल पर चमक उठता है। पवित्र संगम स्थल पर विशाल जन सैलाब हिलोरे लेने लगता है और हृदय भक्ति भाव से विह्वल हो उठता है। श्री अखाड़ों के शाही स्नान से लेकर संत पंडालों में धार्मिक मंत्रोच्चार, ऋषियों द्वारा सत्य ज्ञान एवं तत्व मीमांसा के उद्गार, मुग्धकारी संगीत, नादों का समवेत अनहद नाद, संगम से डुबकी से आप्लावित हृदय एवं अनेक देवस्थानों के दिव्य दर्शन प्रयागराज कुंभ में होते हैं। प्रयागराज का कुंभ मेला लगभग 50 दिनों तक संगम क्षेत्र के आसपास हजारों हेक्टेयर भूमि पर चलने के चलते विश्व के विशालतम अस्थायी शहर का रूप ले लेता है। समस्त क्रियाकलाप, सारी व्यवस्थाएं स्वतः ही चलने लगती हैं। आदिकाल से चली आ रही इस आयोजन की एक रूपता अपने आप में ही अद्वितीय है। सनातन काल से भारतीय जनमानस के रगों में बसी, उनके रक्त में प्रवाहित होती अगाध श्रद्धा एवं आस्था ही अमृत है। उनका अमर विश्वास ही प्रलय में अविनाशी अक्षयवट है। ज्ञान, वैराग्य एवं रीतियों का मिलन ही संगम है और आधार धर्म प्रयाग है। कुंभ भारत और विश्व के जनसामान्य को अविस्मरणीय काल तक आध्यात्मिक रूप से एकताबद्ध करता रहा है और भविष्य में ऐसा किया जाना जारी रहेगा। भारत की धरा पर मनाया जाने वाला यह आस्था का महापर्व मानवता की अमूल्य निधि के रूप में सदा ही जनमानस के हृदय में आलोकित होता रहेगा। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। कठिन परिश्रम से अर्जित की गई सफलता और उससे मिली पहचान जल्द ही गायब नहीं होती, जीवन भर बनी रहती है। और कहा जाता है जो व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है वो रात को चैन की नींद सोता है। नींद का महत्व हमें विश्राम देने से अधिक है। अच्छी सेहत के लिए नींद का विशेष महत्व है। नींद की समस्याएं आजकल काफी बढ़ रही हैं और बहुत से लोग इससे परेशान रहते हैं। किसी को नींद नहीं आती तो जो बार बार रात को सोते हैं तो उठते रहते हैं। किसी को खर्राटे की समस्या है। नींद की समस्याओं के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं। आइए समझ लेते हैं कि वो कौन से कारक हैं जिससे किसी भी व्यक्ति की नींद प्रभावित हो सकती है और अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि आज है विश्व नींद दिवस यानी वर्ल्ड स्लीप डे। नींद का क्या महत्व है हमारे स्वास्थ्य के लिए, आइए समझते हैं।
आना और नींद से जुड़ी अन्य समस्याएं बेहद आम हो गई हैं। हमारी जीवन शैली के कई कारक नींद पर प्रभाव डाल रहे हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में नींद संबंधित समस्याएं देखी जा रही हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद का विशेष महत्व है। दिनचर्या में नींद एक प्राकृतिक और आवश्यक भाग है। ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है जो स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। गहरी व पर्याप्त नींद हमारे मन और शरीर को संपूर्ण विश्राम देती है, जिससे मन को ताजगी मिलती है और हम ऊर्जावान तथा प्रसन्न रहते हैं। आज वर्ल्ड स्लीप डे है। नींद की हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि हम सबको 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। वो इसलिए होती है कि नींद सिर्फ हम नहीं लेते, सारे एनिमल्स जानवर सबको नींद की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक रिजुविनेशन होता है। जो भी हम दिन में एक्टिविटी करते हैं, अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, हमारे शरीर का उपयोग करते हैं, तो उसका एक रिफ्रेशमेंट होता है। ये सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होता है, एक हार्मोनल लेवल पे भी होता है, मेंटल वेलबींग के लिए भी होता है। और हमने ये देखा है कि पिछले 100 साल में एवरेज नींद का समय 1.5 घंटा कम हो गया। हमारे पास बिजली है, टीवी है, लैपटॉप है, फोन्स हैं, हम बात करते रहते हैं, तो सोने का समय हमने अपने आप ही कम कर दिया है और इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई कारक हैं जो नींद को प्रभावित कर सकते हैं। तनाव, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक दर्द, खर्राटे, नींद संबंधित विकार, रोशनी, विमान यात्रा से हुई थकान, कुछ दवाएं, सोने का स्थान और वातावरण, सोने का समय, कैफीन और शराब का सेवन, इन सभी कारकों का प्रभाव व्यक्ति की नींद पर पड़ सकता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो अगर आप 5 घंटे सोते हैं तो डायबिटीज के चांसेस आपके 16% बढ़ जाते हैं। अगर आप 3 घंटे सोते हैं तो आपके डायबिटीज़ के चांसेस 41% बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ ही नहीं, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, दिमाग से संबंधित रोग भी बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है कम से कम 6 घंटे और प्रेफरेबली 8 घंटे सोना ज़रूरी है। नींद की समस्याएं काफ़ी लोगों को परेशान करती हैं। नींद का हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। हर उम्र के लोगों में नींद संबंधित समस्याओं का खतरा बढ़ रहा है। कारण भले ही अलग हो, लेकिन बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है। यदि नींद ठीक से न आए तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है और उसमें कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। यदि नींद न आना रोज की बात बन जाए तो इसका असर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। अगर आप अच्छी नींद सोना चाहते हैं तो आपको नींद का समय मुकर्रर करना चाहिए, चाहे वो 11 से 6 या 10 से 6 आपकी दिनचर्या के हिसाब से। शाम को 5 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी या कैफीन ना लें। इसके अलावा विग्रस एक्सरसाइज ना करें, सिगरेट बीड़ी ना पिए। अगर आप ये सोचते हैं कि शराब पीने से आपको अच्छी नींद आती है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शराब पीने से नींद शुरू तो हो जाएगी लेकिन जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो अच्छी नहीं होती। सोने से 1 घंटा पहले कोई लैपटॉप या स्क्रीन या टेलीविज़न ना देखें, पढ़ना अच्छा होता है। और अपने रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे अपने शरीर को तो आपकी नींद अच्छी होगी। और सोने से पहले अगर जिसको नींद की समस्या ज़्यादा है वो सोने से पहले अगर गर्म पानी से नहा लेंगे तो आपकी नींद अच्छी आएगी। अच्छी नींद आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए उपयोगी है, इसलिए कुछ सावधानियों का पालन करके अपनी नींद को बेहतर बनाएं, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके। यदि आपको नींद की समस्या हो रही है तो इसे लेकर लापरवाही न करें, एक विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं, जानें कि नींद की समस्या का कारण क्या है और उसका सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
व्यक्ति को जो भी लक्ष्य, सफलता या वस्तु बिना परिश्रम के प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है कि वो उसकी अहमियत नहीं समझता, मूल्य नहीं समझता और उसे संभाल कर नहीं रखता। मेहनत से प्राप्त की हुई सफलता अधिक चलती है और मेहनत करने से नींद अच्छी आती है, लेकिन यदि मेहनत न की जाए, यानी आजकल लोग दिन भर बैठे रहते हैं, खाने पीने को लेकर गड़बड़ी होती है, आहार अनियंत्रित हो गया है और जीवन शैली भी, इससे मोटापा बढ़ रहा है। मोटापे का बढ़ना नींद की समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में कौन से योगासन कमर के आसपास के घेरे को कम करने, यानी पेट की चर्बी को कम करने में सहायक हो सकते हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं रोहिणी घोष। आज हम देखेंगे दो योगासन जिनके नियमित अभ्यास से आप अपने कमर के आकार को घटा सकते हैं। तो पहला है वक्रासन, जिसे हम खड़े होकर करेंगे, और दूसरा है कोनासन 2। पहला वक्रासन खड़े होके, जिसमें आप अपने पैरों के बीच 2.5 फुट का इस प्रकार डिस्टेंस बनाए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लाए, राइट फिंगर टिप्स पे देखते हुए सांस छोड़ते हुए इस प्रकार ट्विस्ट करिए। इसे 6 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। सांस भरते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। अब यही चीज लेफ्ट साइड कीजिए, धीरे से सांस छोड़ते हुए पीछे जाए। 6 सेकंड के बाद सांस भरते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए और हाथों को नीचे लाए। इसका अभ्यास कम से कम 4 बार जरूर करें। दूसरा कोनासन 2, 3 फीट का गैप ले ले अपने पैरों के बीच। इस प्रकार हाथ को, राइट हैंड को ऊपर लाए, सांस भरते हुए झुक जाए और 6 सेकंड इस स्थिति में सांस रोक के बने रहे। धीरे से सांस छोड़ते हुए ऊपर आए और हाथों को नीचे लाए। उसी प्रकार अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर लाए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुके। धीरे से सांस छोड़ते हुए ऊपर आए, लेफ्ट हैंड को नीचे ले जाए और पूर्व स्थिति में आ जाए। ये दोनों साइड मिलाकर 1 राउंड होता है। इस प्रकार आप 4 बार अभ्यास करेंगे, एक एक बार दोनों साइड। और अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी कमर का फैलावा ज्यादा ना बढ़े, इसका ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर चीजों को जमा करने लगता है। इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से चलना, फास्ट चलना, ब्रिस्क वॉकिंग करना ही है। रादर चलना कभी भी मत छोड़े, हर रोज चलना चाहिए। दूसरा, जितना हो सके ये जंक खाना खाना बंद करें, जो बाहर के पैकेट खोलना खाया, बॉटल खोली पिया वाली चीजें, क्योंकि उसमें बहुत सॉल्ट, बहुत शुगर होता है जो फैट को जमा करता है। तीसरा, फैट को कम करने के लिए प्रोटीन युक्त पदार्थ जरूरी है, और उसमें दही खाना जरूरी है, उसमें पनीर खाना बहुत जरूरी है, और हो सके तो सोयाबीन जैसी चीजें भी जरूर खाएं, क्योंकि वो मसल को स्लिम करती है। चौथा, अच्छी नींद अगर नहीं लेंगे तो बार बार थोड़ा थोड़ा खाने का मन होगा, रेस्टलेस माइंड हो जाएगा, और वो बहुत जरूरी है कि आप अच्छा सोएं तो खाने पर भी कंट्रोल रह पाएगा। कोशिश करें, अच्छे ही दिखेंगे। नमस्कार। यदि परिश्रम आदत बन जाए तो जो सफलता है वो भाग्य बन जाती है। इसलिए वो तमाम लोग जो अपने वजन कम करने की कोशिश करते हैं और फिर निराश हो जाते हैं, यदि आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, तो आप अवश्य सफल होंगे। योग के माध्यम से आप न सिर्फ अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, बल्कि बहुत सी बीमारियों से भी बचाव कर सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका, पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चाय
मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो उसका भाग्य भी उसका साथ देता है और असंभव लक्ष्यों को भी वो प्राप्त कर पाता है। उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, चाहे जीवन में कुछ प्राप्त करने की बात हो या फिर कुछ नया सीखने की। उसमें अभ्यास और निरंतर परिश्रम करते रहने का विशेष महत्व है। संस्कृत पाठशाला में आजकल हम लोग सीख रहे हैं अक्षरों के अल्प प्राण और महाप्राण स्वरूप के बारे में। आइए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान, उसे अपने अंदर उतारते हैं, यानी उसका अभ्यास करते हैं और अशुद्धियों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां सर्वेषाम् अस्तु स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों बात कर रहे हैं अल्प प्राण और महाप्राण वाले अक्षरों के शुद्ध उच्चारण के बारे में। हमने बताया था कि कौन कौन से अक्षर होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। इसके साथ ही आपने जाना था कुछ उदाहरणों के बारे में भी। एक उदाहरण था संघटन। आइए इस शब्द के उच्चारण की गणित और संस्कृत परखता पर पहले कर लेते हैं आज बात, फिर जानेंगे कुछ और शब्दों के उच्चारण में हमारे द्वारा की जाने वाली असावधानियों की और साथ ही जान लेंगे कारण के निरूपण के साथ उनके शुद्ध उच्चारण के बारे में भी। तो देखिए, हमने यह जान ही लिया था कि संघटन को संस्कृत भाषा के अनुसार संगठन या संगठन या संघटन कहना और लिखना अशुद्ध है। वस्तुतः घटन और गठन दो शब्द हैं। यहाँ हम पहले यह ध्यान में रख लें कि गठन वस्तुतः संस्कृत में प्रयुक्त ही नहीं होता। यद्यपि शब्दानुकरण कर गठ को भी धातु मान लेते हैं, पर घट यही संस्कृत व्याकरण अनुसार सर्वस्वीकृत धातु है। इसलिए शब्द गठन न बनकर घटन यही बनेगा। और ऐसे में संगठन इस शब्द का हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में जरूर प्रयोग कर सकते हैं हम, पर संस्कृत के संस्कृतत्व की खातिर अर्थात संस्कृत के व्याकरणगत स्वरूप और इस शब्द के संस्कृत भाषा में सुप्रयोग को ध्यान में रख घटन और संघटन शब्द का प्रयोग ही निर्विवादित और श्रेयस्कर है। तो हमने अब तक यह समझा कि कैसे महाप्राण वाले अक्षर को अल्प प्राण और अल्प प्राण वाले अक्षर को महाप्राण के रूप में हम बदल कर असावधानीवश या शीघ्रतावश गलती कर देते हैं। आइए अब कुछ और उदाहरणों के साथ इस तथ्य को और ठीक से समझते हुए अपने उच्चारणगत अशुद्धता को दूर करने की कोशिश के साथ उच्चारण में शुद्धता का कर लेते हैं समावेश। एक शब्द है षष्ठी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं छठी। संस्कृत के शब्द षष्ठी को हम कई बार षष्ठी या षष्ठी ऐसा लिख और बोल जाया करते हैं। हम संस्कृतज्ञ यह समझ सकते हैं कि जो भी यह गलती बोलते या पढ़ते या लिखते हुए करते हैं, वस्तुतः उन्हें संस्कृत के मूल शब्द का संज्ञान ही नहीं होता, इसलिए ऐसी गलती हो जाया करती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और शब्द है षष्ठी, जिसका अर्थ है 60, यानी 60, संख्या वाला 60। इस शब्द का यानी षष्ठी शब्द के उच्चारण और लेखन में हम में से कई लोग इस गफलत का शिकार हो जाते हैं, यानी षष्ठी और षष्ठी के भेद को अगर हम समझेंगे ही नहीं तो यूं ही बोलते पढ़ते और लिखते हुए गलतियां करते ही जाएंगे। इसी तरह एक और शब्द है श्रेष्ठ, जिसे हम लिख और बोल दिया करते हैं श्रेष्ठ। ऐसा लिख देना और बोल जाना भी बस इसी प्रवृत्ति के कारण हम में से कई लोगों के साथ हो जाता है। कुल मिलाकर इन उदाहरणों में भी हम देखते हैं कि कैसे ठ इस महाप्राण वाले अक्षर को ट इस अल्प प्राण वाले अक्षर में हम परिवर्तित कर शब्दों के उच्चारण में और बहुधा लेखन में भी अशुद्धि कर जाया करते हैं।
तो हम रखें इस तथ्य का ध्यान कि नहीं रखना है हमें अल्प प्राण और महाप्राण वाले अक्षरों में भ्रम का स्थान। तो आज की संस्कृत पाठशाला में इतना ही। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में लौटेंगे हम किसी अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः। किसी भी नई चीज को सीखने के लिए या जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आज की तेरी मेहनत ही तुझे कल सफल बनाएगी। मंजिल तक पहुंचने के लिए मुश्किलें हजार सही, लेकिन तेरी मेहनत हौसला बढ़ाएगी। अगर रुक जाओ कहीं चलते चलते, तो ये याद रखना कि तुम्हारी उम्मीद ही तुम्हें लक्ष्य तक पहुँचाएगी। आज की गई मेहनत कल सफल जरूर बनाएगी। तो आप जीवन में मेहनत करते रहिए, चलते रहिए। और अब हमारे समय भी हो गया है हमारे चलने का। यहाँ पर हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।